सोलन में जलोहड़ जी में सरकारी डिपो चालक पर मनमानी करने का आरोप लगा है, जिसकी वजह से लोगों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, राशन लेने आ रहे उपभोक्ताओं को मशीन न चलने का बहाना कर खरीदे गए सामान का पिछले एक वर्ष से बिल तक नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों में भारी रोष देखा जा रहा है। लेकिन जैसे ही डिपो संचालक को मीडिया के आने की भनक लगी तो मशीन भी दुरुस्त हो गई और उपभोक्ताओं को बिल भी दिए जाने लगा। इलाकावासियों ने मीडिया के समक्ष अपनी व्यथा रखी और डिपो संचालक पर आरोप लगाया है कि डिपो संचालक पिछले एक वर्ष से उन्हें बिल नहीं दे रहा है और उनसे निर्धारित मूल्य से भी ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं, और जब से अधिक मूल्य लेने का कारण पूछा जा रहा है तो वह अधिक ढुआई और किराए की दुकान का हवाला देता है। उन्होंने कहा कि वह कई बार इस बाबत जिला खाद्य आपूर्ति विभाग से भी इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई विभाग ने भी अमल में नहीं लाई है। सर, डिपो की समस्या है, जब से मशीन आई तब से तो बिल्कुल नहीं, बिल वाल का कोई नाम निशान नहीं है। हर बार वैसे हम बोलते थे कि ये सर बिल दे दो, बिल दे दो, ये बोलते थे, कभी मशीन ख़राब है, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। आज जब से मशीन आई है तब से आज दिन तक कोई बिल नहीं मिला हमारे को। सर, कुछ पैसे हमारे को लगता था कि एक्स्ट्रा 20-30 रुपये एक्स्ट्रा, जो भी 30-40-50 जो भी एक्स्ट्रा जुड़ते थे, हमने उसके बारे में कई बार बोला भी सर ये एक्स्ट्रा पैसे, तब ये बोलते हैं हमारे दुकान का है, गाड़ी का किराया भी होता, बुलाने लेटर पर कोई प्रकार की बातें। सर, दिक्कत तो ये आ रही है इसमें ना, एक साल हो गया जो मशीनें चल रही थी, ठीक है ना, जो डिजिटल मशीनें चल रही हैं कि तो बिल काटने हैं, ये करने हैं, जब से यहाँ मशीनें आई हैं तो एक बार भी बिल नहीं मिला, और बिल डिपो वाले जब इनसे बिल मांगते हैं तो कहते हैं मशीन नहीं चल रही, और विभाग से यही चाहेंगे सर कि जल्दी से जल्दी इसको वो करें, ठीक करें मशीनों को, और बिल मिले हमारे को, पब्लिक परेशान ना हो। समस्या के बारे में यही है सर, जो ये सामान देता भी है ना, मतलब जैसे तो ये बिल नहीं दे रहा, काफ़ी एक साल हो गया लगभग, एक साल से पहले जब बिल दे रहा था वो एक्स्ट्रा पैसे लेता था, जो बिल के अलावा प्राइवेट रजिस्टर लगाया हुआ है इसने एक, जिसमें ये एक्स्ट्रा पैसे लेता था, जैसे 20-30-40-50-60 रुपये हर राशन कार्ड में एक्स्ट्रा लेता ही है। बिल तो एक साल से नहीं मेरा, इससे पहले भी जब बिल देता था तो इससे उसके अलावा भी एक्स्ट्रा पैसे लेता था बिल में, प्राइवेट रजिस्टर पर इसने अलग लगाया हुआ ना। कंप्लेंट एक बार की थी सर, उसके बाद वो आए यहाँ पे, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो तो उनको बारे उनको इसके बारे में पता होगा। मांग यही रखता हूँ सर, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए ढंग से, इसके बारे में जो एक्स्ट्रा पैसा लेता था, ये तो बोलता है कि गाड़ी का किराया नहीं मिलता हमारे को, डिपो का किराया नहीं मिलता, इसलिए मैं एक्स्ट्रा पैसा लेता हूँ। वहीं राशन डिपो संचालक ने अपनी गलती पर पर्दा डालते हुए कहा कि पिछले एक वर्ष से उनकी मशीन खराब पड़ी है और जब वो ठीक होती है तो नेटवर्क नहीं होता है, बस यही कारण है कि वह बिल नहीं दे पाता है। संचालक ने सारा ठीकरा विभाग के सर फोड़ दिया और कहा कि विभाग द्वारा उसे ठीक मशीन नहीं दी गई। इसमें हमारे पास जब से मशीनें हैं उस टाइम से ना तो इसकी साइडें घंटों भर चलती हैं, अगर साइड मशीन की चली तो इसकी जो बिलिंग है वो एक आधा बिल कटेगी, उसमें वही हो जाएगी, मतलब हैंग हो जाएगी। ये हम कम से कम 20 बार तो इन मशीनों को मीटिंग में भी जाते हैं, फिर भी ले गए 3 मशीनें मेरी जो बदल दी है, 2-3 मशीनें। हाथ से बिल तो हम तो फिर बोलते हैं जब ऊपर से ऑर्डर होते हैं कि हम मशीन ऊपर जमा के इनको दे सामान दे दो लिख, बाकी ऐसे हमें ये 2-2 दिन में पूरे यहाँ रहे इन मशीनों की, जो या तो इसमें 4G का जैसे लगता है उसमें दिक्कत है, ऊपर से बोलते हैं कि अभी साइड नहीं खुली है, जब भी फ़ोन करना हमारे को यही इसकी दिक्कत है।